श्रीमान महानुभाव, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल के अंतर्गत आपका पुनः स्वागत है। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि आज हम कामशास्त्र के संबंध में त्रेता युग में रावण नाम का एक महान राक्षस या प्रभु देवता के रूप में भी था और उसने हर विषय पर गहन अध्ययन किया था, जिसने उसने काम शास्त्र के संबंध में विशेष रूप से अध्ययन किया था और वो शिव जी का परम भक्त था। शिव तांडव स्तोत्र की रचना उसने की है। भगवान शिव ने ये चीज बताई है और रावण ने संसार को बताया। भगवान शिव बोले, हे रावण, अब मैं प्राकृतिक औषधियों के प्रयोग से राजा प्रजा और पशुओं को वश में करने का विधान बताता हूं। सभी वनस्पतियां सिद्ध करके ही उपयोग में लाने का शक्ति प्रभाव होता है। सर्वप्रथम मंत्र को 1,00,000 मरतबे सिद्ध करें, 1,00,000 जपें तब वो सिद्ध होगा और औषधियों को 108 बार अमृतित करके उपयोग में लाएं। मंत्र है, ओम नमो भगवते उड्डे मशराय मोहाय माहाय मिली ठाठ ठा स्वाहा। ये करने के बाद आप ये जो प्रयोग बताए गए हैं, जो औषधियां बताई गई हैं, उनको आपको बता रहा हूं। कानवी, तगर, चंदन, कूट तथा नागकेशर और धतूरा की जड़, डाली पत्र, फूल फल सबको बराबर लेकर पानी में पीसकर गोली बनाकर छाया में सुखाएं और ऊपर हमारे द्वारा बताए गए वशीकरण मंत्र को 7 बार आमंत्रित, पहले उसे जगाना जरूरी है, अभिनंदन करके जिस स्त्री पुरुष को खिला देंगे वो जीवन भर आपके बस में रहेगा। बकरी के दूध में बेलपत्र, बिजौरा नींबू पीसकर तिलक करने से वशीकरण होता है। कृत कुमारी की जड़ भाग के बीज निकाल मिलाकर अभियंत्रित तिलक से वशीकरण होता है। गोरोचन, वंशलोचन, मछली पित्त, केसर चंदन, काक जंझा की जड़, इन सबको संभाग ले बावली के जल में कुमारी कन्या के हाथ से पिसवाकर गोली बनाएं, छाया में सुखाकर अमंत्रित कर्ष का तिलक लगाने से राज वशीकरण होता है। अब आया है काम के संबंध में, ये भगवान शंकर ने जो है बताया है रावण को और रावण ने सार्वजनिक किया था। आयुर्वेद और तंत्र विज्ञान में काम शक्ति वर्धक योगों में लिंग का दृढ़ीकरण क्रिया पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार हम कह सकते हैं, सरसों के तेल में लोध, केसर, असगंध, पीपल और साल परणी को पकाकर लिंग पर मलने से एक शक्ति का विकास हो जाता है। भैंस के मक्खन में वज, खरेटी और पारा मिलाकर लिंग पर मालिश करने से आश्चर्यजनक दृढ़ता और कठोरता आती। भिलावे की बुद्धी, सेवार और कमल पत्ता जलाकर कटेली के साथ पानी में इन सबको पीसकर लेप करने से एक मास में दृढ़ता और लंबाई का विकास होने लगता है। शहद में सूकर की चर्बी मिलाकर 3 मास तक लेप करने से अतिशय बल की वृद्धि हो जाती है, अतिशय जो है लिंग दृढ़ीकरण हो जाता है। जटामांसी, कूट, असगंध, बहेड़ा और सतावर संभाग लेकर तेल में पकाकर लेप करने से निश्चय ही आदमी मोटा और शक्ति का विकास हो जाता है। रेड्डी मछली का तेल, बेलपत्र का रस एक साथ मिलाकर स्त्री के स्तनों पर लेप करने से उसमें आश्चर्यजनक तो कठोरता आता है, ढीले स्तन जो है कठोर हो जाते हैं। गंभारी के पत्ते का रस, उतनी मात्रा में तिल का तेल, इन दोनों को बराबर पानी में मिलाकर पकाएं और थोड़ा सा तेल रह जाने पर कपड़े से छान लें, उसे स्तनों पर लगाने से स्तन मोटे और समान कठोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो उस समय रावण ने अपनी तरफ से बताया, प्याज,
30 गांठों को एक बर्तन में रखकर उसके ऊपर इतना ताजा दूध डालें कि प्याज के ऊपर तक 4 अंगुल भर जाए। फिर उसको पकाएं और जब गल जाए तब नीचे उतार लें। फिर प्याज के बराबर गाय का घी और शहद डालकर पुनः थोड़ी देर पकाएं। फिर सकाकुल और कुलंजन 60-60 ग्राम उसमें मिलाकर सुरक्षित रख लें। इसे 10-10 ग्राम की मात्रा में खाएं। ये योग अत्यंत ही कामवर्धक योग है। प्याज को किसी बर्तन में भरकर उसके मुंह को सावधानी पूर्वक बंद कर और उसमें वायु प्रवेश ना कर से ऐसी तरह से बंद करें। फिर इस बर्तन को गाय बांधने की जगह पर 4 माह के लिए गाड़ दें। तत्पश्चात को निकालकर प्रतिदिन 1 प्याज खाने से मनुष्य की काम शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसे 1 नहीं 4-4 स्त्रियों की जरूरत होती है। कोक शास्त्र के रचयिता विद्वान पंडित कोक के मतानुसार सर्वोत्तम बाजीकरण प्रयोग यह है कि गुप्तांग के बाल सदैव साफ रखें तथा प्याज का प्रतिदिन सेवन करें। प्याज मन में हलचल उत्पन्न कर काम वासना को जागृत करता है अर्थात मैथुन कर्म की शक्ति प्रदान करता है। प्याज के रस के साथ शहद मिलाकर सेवन करना भी अत्यंत लाभप्रद है। प्याज के सेवन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निर्बल नहीं होता। सफेद प्याज का रस 6 ग्राम देसी घी 6 ग्राम तथा शहद 3 ग्राम की एक मात्रा बनाकर सुबह शाम प्रयोग करने से लिंग ताकतवर और हस्त में थुनजन्य कार्य नहीं करता है। व्यक्ति सदा ही स्त्रियों में रत रहता है। प्याज के रस में गाय के दूध के साथ सेवन करने से साथ में प्याज का रस घी शहद तीनों को असमान मात्रा में प्रयोग करने से दुर्बलता गायब हो जाती है। काले उड़द की दाल धुली हुई 1 किलोग्राम को प्याज के रस में भिगोकर बर्तन को धूप में रख दें। जब रस सूख जाए तो फिर प्याज का 1 किलोग्राम रस डाल दें। इस प्रकार दाल को प्याज का रस 40 किलोग्राम तक शोषित करा दें। प्याज का रस 40 किलोग्राम रस जो है शोषित कराना होगा 1 किलो दाल। अब इसमें 20 ग्राम दाल लेकर 1/2 किलोग्राम गाय के दूध में पकाएं और 100 ग्राम की मात्रा में गाय का घी भी डाल दें। 10 ग्राम जो है गाय का दूध डालेंगे। गाय का जो दूध में 10 ग्राम जो है वो घी डालेंगे। फिर इसमें स्वेच्छानुसार शक्कर डालकर उसमें सेवन करने से बल और मुख की कांति बढ़ेगी। समस्त शरीर में बल प्राप्त होगा। वीर संबंधी समस्त विकार नष्ट हो जाते। प्याज का रस 3-10 ग्राम तक मधु के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से प्रमेह तथा वीर संबंधी सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। प्याज और गुड़ मिलाकर खाने से अत्यंत बाजीकरण योग बन जाता है। इससे वीर वृद्धि होती है और काम शक्ति बढ़ती है। इतनी काम शक्ति बढ़ती है कि व्यक्ति को 1 नहीं 4-4 स्त्रियों की जरूरत होती है। प्रातःकाल लहसुन की 4 कलियां छीलकर उन्हें दांतों से देर तक चबाकर ऊपर से दूध या घी पी जाए। इसमें बल और काम शक्ति की अपार वृद्धि होती है। नामर्दी तक नष्ट हो जाएगी और स्त्रियों का बांझपन भी दूर हो जाता है। नियम से इसका प्रयोग करें, सारे शीतकाल में करें, नागा बिल्कुल ना करें। चाय के साथ लहसुन के रस की 10 बूंदे दिन में 2-3 बार लेते रहने से शुक्राशय जहां पर सीमन बनता है और उत्तेजना भी बढ़ती है। यदि फिर भी अशक्ति महसूस करे तो सुबह शाम लहसुन की बर्फी 1 पोतिया लहसुन साफ कर 1 किलोग्राम की मात्रा में धो पीस कर 5 किलोग्राम गाय के गुनगुने दूध में मिलाकर हल्की आग में पकाएं और 1/2 मावा सा बन जाएगा। फिर इसी मावा के देसी घी में भून कर खूब बादामी रंग का हो जाए। फिर चाशनी के साथ बर्फी डा बना लें। 20-30 ग्राम की मात्रा में खाकर ऊपर से मिश्री युक्त दूध पी लें। इसके सेवन से सभी प्रकार के वीर दोष, मूत्र विकार, रक्त क्रिया में रुचि नष्ट हो जाती है। हर समय ये मन करता है कि हर समय स्त्री के पास रहें। ये बर्फी पुष्टिकर, उल्लासप्रद, ज्ञान तत्वों को चैतन्यता प्रदान करने वाली मधुर और स्वादिष्ट बाजीकरण उपयोगी औषधि है। देसी घी में लहसुन की कुछ कलियां भूनकर नियमित रूप से खाने से स्तंभन शक्ति का मतलब आपको टाइम शक्ति बढ़ेगी, अपार वृद्धि हो जाती है। यहां तक कि 1 घंटे तक भी ताकत बन जाती है।
स्त्री के पास संभोग करने। यहां तक कि यदि नपुंसकता जन्मदात ना हो तो ये आखिरी नमस्कार कर जाती, नपुंसकता जन्मदात ना हो तो वो भी आखिरी तरह से नमस्कार करके चली जाती है। कबाब, चीनी, इलायची, बंसलोचन, मिश्री सभी सम मात्रा में चूर्ण बनकर 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से वीर संबंधी समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। दालचीनी बारीक पीस कर रख लें, उसे चार ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सोते समय गर्म दूध से लें, इससे वीर की वृद्धि होती है तथा दूध भी बच जाता है। बल प्रयोग है, इमली के बीजों में रात्रि में पानी में भिगोकर सवेरे उसे छील कर पीस लें, फिर उसके वजन के बराबर गुड़ मिलाकर 6-6 ग्राम की गोलियां बना लें। एक एक गोली सुबह शाम सेवन के वीर की कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाती है। इमली के बीजों को भाड़ में भुनवाकर उसका छिलका उतार कर फेंक दें, ताकूदे को पीस कर चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण के वजन के बराबर खांड मिलाकर सुरक्षित रख लें, उसे नित्य प्रातः काल 6 ग्राम की मात्रा में गौ दूध से सेवन करने से घास पुष्ट हो जाता है। स्त्रियों के प्रदर रोग में भी उपयोगी है। धात जब पुष्ट होता है तो स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है। सतावर 10 तोला खूब बारीक पीस कर सुरक्षित रख लें, उसे 6 ग्राम से 1 तोला तक की मात्रा में आधा सेर दूध के जोश में देकर 5 तोला खांड मिलाकर गाढ़ा होने पर ठंडा करके रात को सोते समय खाएं। मूल्यवान बलवर्धक योग भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिगर गुर्दे की शक्ति देने के साथ ही ये योग वीर को गाढ़ा करता है। इसबगोल की भूसी 5 तोला, मूसली सफेद 2.5 तोला लें, दोनों को कूट पीस कर छान कर मिला लें। 6 मासा की मात्रा से 1.5 पाव दूध में पकाएं, जब खीर सी बन जाए तब चीनी डालकर उसका गुनगुना ही पी जाएं। बल वीर वर्धक योग है। असगंध नागौरी और विधारा दोनों को पीस कर कपड़े से छान कर बराबर वजन में चीनी मिलाकर रख लें, उसमें 3-6 ग्राम की मात्रा में ताजा दूध तथा पानी से दिन में 3 बार सेवन करें। देखने से योग अत्यंत मामूली और अल्प मामूली का है, कि इसके सेवन करने से वीर का पतला होना, वीर में शुक्र कीट उत्पन्न न होना, स्वप्न दोष, वीर प्रमेय, अत्यंत वीर नाश को, अत्यंत कमजोरी को नष्ट करके वजन को बढ़ा देता है। चेहरा चिपका हुआ ऊपर आ जाता है, आंसे धसी हुई ऊपर आ जाती है। हरी हड्डी माँ जो पिंजर रह गया हो वो भी बलवान हो जाता है। स्त्री के नाम से भय खाने वाला व्यक्ति स्त्री के बच जाने के लिए उतावला हो जाता है, मोटा ताजा हो जाता है, यही चूर्ण अश्वगंधादि के नाम से जाना जाता है। ये रहे आपके योग। जो कि कुछ शास्त्रोक्त हैं और कुछ रावण द्वारा बताए गए हैं, इनका किसी का एक का प्रयोग करके आप स्त्री के सामने अजय हो जाएंगे। कामिनी आपकी दासी हो जाएगी। यदि ये वार्ता आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को, आयुर्वेद धर्म रहस्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, महान कृपा होगी। और जय मां पराशक्ति।